खेरली कृषि उपज मंडी में किसानों का बेचने के लिए लाया गया बाजरा बारिश में गीला हो गया और पानी में बह गया, जिससे व्यापारियों ने खरीदने से मना कर दिया, जिससे किसान आक्रोशित हो गया। गौरतलब है कि इन दिनों मंडी में बाजरे की आवक जोरों पर है। सोमवार को भी बाजरे के लगभग 25,000 कट्टे मंडी में आए थे। इसी प्रकार मंगलवार को भी बाजरे की आवक जोरों पर रही। कमीशन एजेंटों ने किसानों से अपना माल दुकानों के सामने खुले फड़कर वे सड़क पर खुलवा दिया। दोपहर लगभग 1:30 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसमें वहां का बाजरा गीला हो गया, वहीं बहकर नालियों में चला गया। वहीं कुछ किसानों ने दुकानों में तिरपाल लेकर बाजरे को ढककर भीगने से बचाया। इधर माल के गीला हो जाने पर व्यापारियों ने खरीदने से मना कर दिया। इस पर किसान व्यापारियों से उलझ गए और जिस कमीशन एजेंट ने दुकान पर माल खोला उससे माल बिकवाने की जिद करने लगे। इधर कमीशन एजेंट आश्वासन देते रहे कि ज्ञात हो कि कृषि उपज मंडी में किसानों को माल बेचने पर उसे खोलने के लिए किसान प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, परंतु उनमें व्यापारियों का पूर्व में खरीदा हुआ माल गोदाम की भांति भरा रहता है, जिससे माल बाहर खुले में खोलना पड़ता है। इधर किसान दोनों प्रकार से माल सहन करता है, जहां उसे स्वयं के लिए निर्धारित स्थान पर माल नहीं खोलने दिया जाता, वही कमीशन एजेंट फड़ कर माल खुलवाने के बाद भी अपने जिम्मेदारी से बचता है और माल के भीगने पर किसान को होने वाले नुकसान से पल्ला झाड़ लेता है, जबकि माल बेचने से मिलने वाले कमीशन को सरलता से रख लेता है। यह बड़ा चिंतनीय विषय है कि दिन रात परिश्रम करने वाला किसान व्यापारियों की धोरी मार सहन करता है, जबकि अधिकारी इस विषय पर कोई ध्यान नहीं देते। जब इस संबंध में मंडी सचिव से संपर्क करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। किसान नरेंद्र फौजदार निवासी गारू ने बताया कि मैं बाजरा बेचने आया था, मुझे कमीशन एजेंट ने दुकान नंबर 33 पर खुले में माल खुलवाया। बारिश आने पर मैंने दुकानदार से तिरपाल मांगा, जो कि नहीं दिया। मेरा पूरा माल गीला हो गया और कुछ नाली में बह गया, जिसे व्यापारियों ने खरीदने से मना कर दिया। मैं अपने माल को उसी स्थिति में छोड़कर आ गया। राजेश सुरेंद्र गोयल कमीशन एजेंट दुकान नंबर 33 ने बताया कि किसान प्लेटफॉर्म दुकानों को किसानों को माल बेचने आने पर माल खोलने के लिए कहते, जो कि सेटों के माल से भरे रहते हैं। किसान कहे यही सही है कि किसानों का माल ही खराब होता है और उसकी उचित कीमत भी उन्हें नहीं मिल पाती।